राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने डीएम एफटी फंड से मांडू प्रखंड सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री से किया जांच की मांग। राज्यसभा सांसद सह जनता दल यूनाइटेड झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने राज्यसभा में डीएम एफटी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर भारत सरकार से जांच की मांग की। उन्होंने राज्यसभा महासचिव को आवेदन देते हुए कहा, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निर्माण खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित अन्य विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें फंड की व्यवस्था व्यापारियों से 30 रुपये प्रति टन कटौती की जाती है। कुजू से मोहम्मद सना उल्ला की रिपोर्ट। खीरू महतो सभापति महोदय, डीएमटी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खनन प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, सड़क, रोजगार एवं अन्य विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से किया है, जिसमें फंड की व्यवस्था कोयला व्यवसाय से 30 रुपये प्रति टन कटौती की जाती है। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में खनन प्रभावित क्षेत्र मांडू, चितरपुर, पतरातू ब्लॉक है, लेकिन इस जिले में इस फंड का जिला समरणालय में 1.5 करोड़, स्विमिंग पूल में 4 करोड़, टाउन हॉल बनाने में 2 करोड़, फर्नीचर में 8 करोड़, पार्क में 2.75 करोड़, इंडोर स्टेडियम में 7.5 करोड़, बाजार टाउन में स्टेडियम निर्माण एवं 232 करोड़, टोटी झरना शुद्धिकरण तथा करोड़ रुपये सदर अस्पताल के सामानों की आपूर्ति करने में खर्च किए गए हैं। जिले में कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिंग से बहाल कर कर्मचारियों के वेतन इसी फंड से देने की चर्चा भी जोरों पर है। उपरोक्त सभी कार्य डीएमएफटी फंड के मानक नियमों तथा ग्राम सभा से स्वीकृत लिए बगैर खान प्रभावित क्षेत्र की जगह शहरी क्षेत्र में किया गया है, जबकि खनन प्रभावित क्षेत्र मेरे गांव से हाउसिंग मोड़ से केदला बस्ती बाजार टाउन तक लगभग 4 किलोमीटर जहां मेरा घर अवस्थित है एवं दूसरा 40 वर्ष पूर्व बने नवाडी केदला परियोजना कार्यालय होते हुए झारखंड परियोजना से लहियो परियोजना तक लगभग 8 किलोमीटर पक्की सड़क काफी जर्जर है, जिसमें 20 गांव के भू विस्थापित लोग प्रभावित हैं। उपरोक्त रोड को बनाने या जिले में डीएफटी फंड के इस प्रकार के दुरुपयोग होने की जांच हम सरकार, भारत सरकार से करते हैं।